भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर निजी स्कूलों के संचालकों के दबाव के आगे प्रदेश सरकार झुक गई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी की। इस महीने के अंत तक प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने पर स्कूल शिक्षा मंत्री बोले कि हमारी पूरी तैयारी है, तीसरी लहर की आशंका है, इसलिए छोटे समूहों में बच्चों को बुलाएंगे। हम स्कूलों पर दबाव नहीं है। आज आ रहे दसवीं बोर्ड के परिणाम पर बोले कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई फेल नहीं होगा। जो छात्र बारहवीं में असंतुष्ट हैं, उन्हें परीक्षा का दूसरा मौका दिया जाएगा। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सावधानियां रख रहे हैं, बना लिया ना मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे वीरू में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक। विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण थोड़ा सा पीछे हो जाए, बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल ठीक है, मैं वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान है, और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा, उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी सप्ताह में 4 दिन, 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन एक बैच आएगा, क्योंकि सावधानी अभी जरूरी है। और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आधी क्षमता के साथ बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे। उसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बना रहे हैं, और परिस्थितियों पर नज़र रखते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, तो फिर हम 9वीं 10वीं और उसके बाद क्रमशः 8वीं 6वीं से 8वीं और फिर हम पहली से 5वीं तक की क्लासें भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार जनसंख्या नियंत्रण।